सड़कों पे आके इनकी मन की बात तो सुन लो, जो आपके दरवाजे पे खड़े हैं दिल्ली के। आज 30 दिन होते जा रहे हैं, माइनस में रात को टेम्परेचर हो जाता है, कितना आदमी अपने आप को कवर कर ले। घरों के अंदर ठंड लग रही है, सड़क पे ठंडी होगी। जो हमारी नॉलेज में अभी तक इस बॉर्डर से 15 बंदे जो हॉस्पिटल में, उनका कोई नाम नहीं आ रहा। जो एडमिट कराए गए हैं उनका भी नाम नहीं है। जब वो शहीद हो जाएंगे लगता है तब सरकार को जाग आएगी। और बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी को मंत्री शहीद होता है तो दुनिया भर के टेलीकास्ट टेलीविजन में चलते हैं, और इन किसान भाइयों का कोई भी जिंदगी की कीमत नहीं है। ये मर रहे हैं, मरने के लिए छोड़ रखे हैं सरकार ने, कोई इनको पूछने वाला नहीं। पैकेज तो बहुत दूर की बात है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप मीडिया वालों टीवी पे बैठ के मत इसको देखा जाए, यहाँ पे आके किसानों में आके बैठ के देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज इंडिया, में आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी फिलहाल लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो बात है उसको रखने के लिए सरकार के सामने कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनी। सरकार दूसरी तरफ पत्र भेज रही है, मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम इस बात को लेकर राजी नहीं है, डायरेक्ट बात होनी चाहिए। आज लगातार कई चीजें हैं जो बदल चुकी हैं, क्योंकि एक महीने से प्रदर्शन लगातार चल रहा है। कई बॉर्डर हैं जिस पे बहुत सी चीजें आ रही हैं। इससे पहले भी पानी की इंतजाम किए गए थे क्योंकि काफी ठंडी हो गई थी। आज जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा दिया गया है जिससे लोगों को इंटरटेनमेंट भी मिल सके और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके। इन्हीं सारी चीजों को लेकर यहाँ पे हमारे साथ पाजी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि ये इसमें क्या क्या मूवीज चलती है, कहाँ से लगाई गई और बाकी कई ऐसे इंफॉर्मेशन है जो जानने की कोशिश करेंगे। पाजी, ये जो आपने प्रोजेक्टर लगाया, इससे पहले भी कई चीजें होती रही है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? देखो जी, हमारा किसान भाई यहाँ पे आया हुआ है। जो हमारा सुबह मंच चलता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम 4:30-5 बजे तक मंच पे रहते हैं किसान भाई। वहाँ पे हमारे तरह तरह के नेता आते हैं जो सपोर्ट करते हैं और जो इस आंदोलन के बारे में समझाते हैं कि कोई भी उत्पात नहीं मचाना, कोई भी किसी आम आदमी को परेशान नहीं करना, किसी को भी हमारे आंदोलन से दिक्कत तकलीफ ना हो। अब उसके बाद जब किसान भाई अपने घरों को छोड़ के आए, यहाँ टीवी की कोई सुविधा नहीं है, कुछ चैनलों ने, कुछ ट्रॉलियों में तो टीवी लगे पड़े हैं, डिश भी अपनी हैं, बहुत एडवांस ट्रॉलीज हैं बट वो बहुत कम है। अब देखा भी इतना किसान भाई शाम को यहाँ पे क्या करेंगे, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक स्क्रीन का, प्रोजेक्टर का प्रबंध किया है जिसमें उनको किसानों से रिलेटेड जो जानकारियाँ वो भी मिलती रहती हैं और दूसरे बॉर्डर से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो भी यहाँ पे हम उपलब्ध कराते हैं। और साथ में आज बहुत बड़ा हमारे इतिहास में जो दिन आता है ये शहीदी का आता है, जिसमें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे दो साहिबजादे आज दीवारों में चिनवा दिए गए थे सरहिंद में। अब उनकी याद में आज यहाँ पे खालसा इंटरनेशनल ने एक ब्लड कैंप लगाया जिसमें 258 आदमियों ने, किसानों ने अपना खून दिया। और उसके बाद चार साहिबजादे जो पिक्चर थी जो आज तक चल रही है, इन किसान भाइयों को दिखाई जा रही है। आज हमारे छोटे साहिबजादों के शहीदी के दिन आज हमारे लिए बहुत दुखी दिन होता है। हमारे इतिहास के गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे आज जो छोटे जो बच्चे थे आज वो दीवारों में चिनवा दिए गए, सिर्फ इस करके कि हमारा हिंदू धर्म और भारत का जो रह रहे हैं वासी, उनके लिए धर्म चेंज ना करना पड़े। तो इतना बड़ा बलिदान दिया, बट आज उन बलिदानों के लिए यहाँ सरकार ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी इन बलिदानियों का, कुर्बानियों का कोई भी मूल्य अदा नहीं कर पाए। और उल्टा आज इन्हीं किसानों को उग्रवादियों का दर्जा, खालिस्तानी, महिम भाग रिपीट हो रहा है, ये पार्टी मना रहे हैं और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई आके 24 घंटे इस सड़क पे आके बैठ के सो के देखे तब पता चलेगा पार्टी क्या होती है, पिकनिक क्या होती है। बड़ा दुख होता है ये बातें सुन के। और जब किसान अपना खून यहाँ पे आके दे रहा है, आज माइनस में टेम्परेचर चला जाता है पूरे यहाँ पे दिल्ली के हमारे बॉर्डर का, फिर भी किसान के हौसले देखते ही बनते हैं। और इन्होंने आज खूनदान दिया और आगे भी हम ये कैंप को रेगुलर 2-2 दिन में रिपीट करते रहेंगे। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब आप लोग हमेशा चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं कंफर्ट के लिए आप लोग लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ठंडी लगातार बढ़ रही है। जैसे ये इंटरटेनमेंट के लिए हो गया कि हाँ लोगों को नॉलेज भी मिल सके और इंटरटेनमेंट एक होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें होने, इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। बाकी क्या क्या चीज़ें आप लोग कर रहे हैं लगातार? इन किसान भाइयों के लिए हम 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं, 24 घंटे। किसी को कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी को कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आप अभी तक आप देखो 35 की लिस्ट तो आ रही है जो शहीद हो गए हैं। जो हमारी नॉलेज में अभी तक इस बॉर्डर से 15 बंदे जो हॉस्पिटल में, उनका कोई नाम नहीं आ रहा, जो बेचारे बीमारी से और ठंड से जूझ रहे हैं।
जो एडमिट कराए गए हैं उनका भी नाम नहीं है। जब वो शहीद हो जाएंगे लगता तब सरकार को जाग आएगी, नींद खुलेगी इनकी। और उसके अलावा इनकी एंटरटेनमेंट क्या, इनका गुजारा करने के लिए सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्म पानी का इंतजाम किया हुआ है, सारा दिन दूध चाय इनके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, बिस्तरों के लिए हमारे पास खूब भंडार है। आज और 50,000 किसान यहाँ पे, 50,000 और भी आ जाएंगे, उनके लिए भी पूरा इंतजाम हमारा किया हुआ है खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने। इनको कोई दिक्कत परेशानी हम नहीं आने देंगे जब तक ये मोर्चेबंदी में यहाँ पे हैं, क्योंकि किसानों के साथ अब इनकी हमारी आम आदमी की लड़ाई भी इनके साथ जुड़ गई है, क्योंकि किसानों का हक दिलाने के लिए आम आदमी की बहुत जरूरत है जो इनका दुख जाने और सरकार से इनके विरुद्ध आवाज उठाए। अच्छा, अभी फिलहाल देखा जा रहा था कि 35 लोग आपने बताया कि शहीद हो चुके, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या गोदी मीडिया ने इस पे बात की, क्या कोई मीडिया आई टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने आप लोगों से इस पे बात की हो, क्या कोई ऐसा हुआ कि कोई अलग से पैकेज चला गया हो, न्यूज चलाई गई हो, क्योंकि 35 लोगों की शहादत ऐसे ही चली जाएगी तो कोई फायदा नहीं उसका। देखो जी, आप इनके पैकेज की बात कर रहे हो, किसी ने एक बार अफसोस जाहिर नहीं किया इनके ऊपर कि बड़ा अफसोस है कि किसान भाइयों में 35 आदमी हमारे यहाँ पे सड़कों पे शहीद हो गए हैं। पैकेज तो बहुत दूर की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी को मंत्री तंत्री शहीद होता है तो दुनिया भर के टेलीकास्ट टेलीविजन में चलते हैं, तीन तीन दिन तक शोक मनाया जाता है, और इन किसान भाइयों का कोई भी जिंदगी की कीमत नहीं है, ये मर रहे हैं, मरने के लिए छोड़ रखे हैं सरकार ने, कोई इनको पूछने वाला नहीं। पैकेज तो बहुत दूर की बात है। मीडिया की तरफ से क्या हुआ मीडिया, क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमेशा यही बात करती है कि किसान सरकार की बात नहीं मान रहे, किसान दूसरे तरफ पक्ष में बताती, कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो सरकार की तरफ दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि जैसे एक तरफ अंबानी अडानी मीडिया और गवर्नमेंट खड़ी हुई है, तो क्या दो पक्ष में देश डिवाइड हो चुका है? देखो, ये मीडिया तो सारी गोदी मीडिया है, ये सरकार को चलाने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा यूज किया जा रहा है, जो आम आदमी तक जो देश में गलत रिपोर्ट पैदा कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी संगठन है, इनको एड आ रही है, इनको फंडिंग आ रही है। मैं पूछता हूँ, जब कोरोना काल में यही सिख समाज हमारा जब लोगों की सेवा कर रहा था, हर चीज बंद थी पर गुरुद्वारे खुले हुए थे, तब इनको फंडिंग की याद नहीं आई? ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? आज इनको इतने किसान भाई आए इनकी फंडिंग के लिए सोच रहे हैं, अरे हम तो यार सारी कम्युनिटी के लिए हम सड़कों पर उतर आ सकते हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं आएंगे? आज फंडिंग की बात इस करके हो रही है, इनकी सेवा हो रही है, और जब हम दूसरी कौम की दूसरी कम्युनिटी की हम सेवा करें तब फंडिंग कहाँ जाती है, तब कहाँ से आती है? ये हमारे जितने भी किसान भाई सबके रिलेटिव कोई कनाडा अमेरिका और अपना इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ से फंडिंग आ रही है, वो मदद कर रहे हैं। और ये नहीं कि अब फंडिंग आ रही है, जब कोरोना काल था तब भी फंडिंग आ रही थी, पर तब कोई जिक्र नहीं था क्योंकि तब मानवता की सेवा हो रही थी, पर आज ये मानवता की सेवा को ये दूसरा रूप देने के लिए गोदी मीडिया बैठा हुआ है, जो रेगुलर ये भ्रम फैला रहा है लोगों में। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप मीडिया वालों टीवी पे बैठ के मत इसको देखा जाओ, यहाँ पे आके किसानों में आके बैठ के देखो, इनकी समस्या सुनो। ये पिकनिक नहीं होती जो सुबह 24 घंटे सड़कों पे रहकर सुबह ठंडे पानी में नहाते हैं, कोई बाथरूम टॉयलेट की वो नहीं है व्यवस्था, अपने अच्छे घरों से उठ के आए हुए हैं और यहाँ किसी व्यवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये पिकनिक नहीं मनाई जाती, और उसके बाद ये खून दे रहे हैं यहाँ पे। आप एक मैसेज तो कन्वे कीजिए मोदी जी, आप देखिए इनकी हालात आके, आप अपने जो बिल इनके थोपे हुए जो इन्होंने मांगे नहीं थे, आप कृपा कर पे उन पर दोबारा गौर कीजिए, कोई इज्जत किसी की कम नहीं होती। आपने कल डिसीजन ले लिया दो आकाओं के कहने पे, आप अगर ये डिसीजन आज वापस ले जाओ, ये किसान भाई तुम्हारे साथ रहेंगे, कंधे कंधा मिलाएंगे, कृपा करके आप ये डिसीजन वापस लीजिए, सिर्फ दो आकाओं के पीछे इतने करोड़ जनता को मिट्टी पे मत रोंदो, सड़क पे मत बिठाओ। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ सरकार से, आप इनकी सुनो, आप अपनी मन की बात तो बता रहे हो, इनकी मन की बात तो पूछ लो, अपने मन की बात तो आप बैठे हो एसी उसमें कमरों में बड़े बड़े महलों में, वहाँ अपने मन की बात बता रहे हो, सड़कों पे आके इनकी मन की बात तो सुन लो, जो आपके दरवाजे पे खड़े हैं दिल्ली के, आज 30 दिन होते जा रहे हैं, माइनस में रात को टेम्परेचर हो जाता है, कितना आदमी अपने आप को कवर कर ले, घरों के अंदर ठंड लग रही है, सड़क पर ठंड नहीं होगी क्या, कितने कंबल कितने रजाइयां ले लेंगे। तो ऐसे ही इनकी शहीदों की गिनती बढ़ती जाएगी, जब तक ये मोदी सरकार सो रही है तब तक हमारे किसान भाई शहीद होते जाएंगे, और ये शहीदी भी किसी नाम प्रमाण चढ़ेगी, क्योंकि सिख समाज ने हमेशा कुर्बान होना सीखा है। आज शहीदी का बहुत बड़ा हमारा दिन है, तो आज हम अभी तक दिल्ली में कूच करके फतेह की है, हमेशा शहीदों के कुर्बानियां देके एक और कुर्बानियां हमारे किसान भाइयों की जा रही है, बट हम दिल्ली को कूच करेंगे, इस पे भी हाजिर करेंगे, सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे। अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में एक न्यूज देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि किसान जो है कुछ संगठन सरकार के साथ है, और जैसा कि मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पूरे किसान यहाँ मौजूद है और आपके दूसरे बॉर्डर पे मौजूद है, तो वो किसान कौन है जो सरकार के साथ है?
सर वो सरकार ने किसान बनाए गए हैं वो सिर्फ इस आंदोलन को छेड़छाड़ करने के लिए तोड़ने के लिए उन्होंने अपने एमएलए को सबको जिम्मेवारी दी है कि अपने अपने गांव से 20-20 25-25 बंदे निकालो एक ट्रॉली में 4-4 आदमी आते हैं शाम को ठंड होती है घर भाग जाते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं वो भी उनके कूड़े में जा रहे हैं वो सारे किसान जो है मैनिपुलेट कर रखे हैं डायरेक्टली इन किसानों के सामने खड़े होने के बाद पर सच को कोई नहीं दबा सकता ये सच्चे इंसान है ये मिट्टी से मिट्टी होना जानते हैं जूझना जानते हैं तो इस करके इनको दबाने के लिए अब नकली किसानों का सहारा मत लीजिए इन असली सरदारों के बीच में आके बैठो किसानों के और इनकी बात सुनो तब पता चलेगा वो सब नकली हैं सारी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए किसान हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।